subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning friends, welcome to our YouTube channel. We are going to learn 9th class 2.5 a play यानी drama. इसका second part आज हम पढ़ेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे. Second guard exits and returns with old Smith. दूसरा जो guard है यानी दूसरा जो दरबान था वो वापस जाता है और सुनार के साथ गोल्ड स्मिथ यानी सुनार के साथ वापस आता है. गोल्ड स्मिथ इन अ क्रैंकी टोन. गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार थर्राई हुई आवाज़ में कहता है ओ नोबल किंग. वो कहता है आलीजा आई बेग ऑफ यू, मैं आपसे भीख मांगता हूँ. हाउ कैन यू गिव मी सच अ हार्श सेंटेंस, आप मुझे इतनी सख्त सज़ा कैसे दे सकते हैं. यहाँ सेंटेंस का मतलब होता है सज़ा. आई वॉज मेरीली फॉलोइंग योर ऑर्डर्स टू द लेटर, मैं तो सिर्फ आपके ही अहकाम को फॉलो कर रहा था जो आपने मुझे दिया था. आपने जो ख़त लिखा था, आपके अहकाम जारी किए थे. यू कमांडेड मी टू सेट असाइड ऑल माई वर्क एंड गेट द क्वींस ऑर्नामेंट्स रेडी बिफोर हर हाइनेस बर्थडे, और आपने मुझे हुक्म दिया था कि तमाम काम छोड़कर मैं रानी का जो जवाहरात है वो तैयार कर सकूँ ताकि आप उनके जन्मदिन से बर्थडे से पहले उन्हें तो गिफ्ट दे सके. सो देयर हैज़ बीन अ डीले इन मेकिंग दिस लेडीज़ ब्राइडल ऑर्नामेंट्स, और इसीलिए इस खातून के शादी के जेवरात बनाने में ब्राइडल यानी दुल्हन के ऑर्नामेंट्स यानी जेवरात बनाने में मुझे देरी हो गई. इन द नेम ऑफ जस्टिस, इंसाफ के नाम पर, योर हाइनेस पार्डन मी, मेरे आखा मुझे माफ़ कीजिए. स्पेयर माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी बचाइए. आई वॉज जस्ट फॉलोइंग योर हाइनेस ऑर्डर्स, और मैं आपके ही अहकाम की पाबंदी कर रहा था, हुक्म मान रहा था. किंग कहता है नॉट अनदर वर्ड, कोई दूसरा लफ्ज़ ना कहना. योर एक्सक्यूज डज नॉट होल्ड गुड, आपका जो बहाना है वो सही नहीं है. टेक द गोल्ड स्मिथ अवे टू द गैलोज एंड हैंग हिम एट वंस, इस सुनार को ले जाओ और इसे ले जाकर फांसी दे दो. गोल्ड स्मिथ यानी सुनार कहता है हैव मर्सी, रहम रहम. ओ जनरस किंग, ए आदिल बादशाह, आई फॉल एट द फीट, मैं कदमों में गिर जाता हूँ. प्लीज़ फॉरगिव मी, मेहरबानी करके मुझे माफ़ कीजिए. जस्ट वन, सिर्फ एक बार, दिस टाइम लेट मी लीव आई हैव, सिर्फ एक बार मुझे रहने दीजिए. राजा कहता है लाउडली यानी राजा ज़ोर से कहता है महाराज नन ऑफ दिस एनिमर, अब कोई बात नहीं सुननी. टेक हिम अवे एट वंस, इन्हें एक बार ही ले जाओ. लेट हिम हैंग टू डेथ, इसे मरने तक के लटका दो. टू गॉड्स ड्रैग द वेलिंग गोल्ड स्मिथ अवे, दो दरबान रोते हुए उस सुनार को उठाकर ले जा रहे थे. कोर्टियर्स एंड अदर्स विस्पर टू वन अदर आउट ऑफ शॉक, दरबारी और दूसरे एक दूसरे से सरगोशी कर रहे थे खौफ के मारे. सून द गार्ड रिटर्न विद द गोल्ड स्मिथ एंड द हैंगमैन, और जल्द ही जो दरबान था वो सुनार और जो फांसी देने वाला जल्लाद था उसके साथ वापस आ गया. हैंगमैन यानी फांसी पर लटकाने वाला. किंग राजा है तो एनॉयड यानी गुस्से में आ जाता है. व्हाट, क्या, व्हाई हैव यू नॉट कैरीड आउट माय ऑर्डर्स, तुमने मेरे हुक्म की तामील क्यों नहीं की. हैंग द गोल्ड स्मिथ एट दिस मोमेंट और एल्स यू विल सफ़र द सेम पनिशमेंट, इस सुनार को अभी ले जाकर लटका दो वरना तुम्हें भी ऐसी ही सज़ा मिलेगी. पनिशमेंट यानी सज़ा. हैंगमैन होल्डिंग अ नोज इन हिज हैंड यानी जो जल्लाद था फांसी देने वाला, उसने अपने हाथ में एक चीज़ पकड़ रखी थी. अ थाउजेंड अपोलोजीज, हज़ार बार माफ़ी मांगता हूँ. ओ ग्रेट किंग, ऐ अजीम राजा, बट दिस नोज डज नॉट फिट द गोल्ड स्मिथ्स नेक, इट इज़ टू लूज. उसने कहा कि महाराज ये जो फांसी का फंदा है, नोज़ यानी फंदा है, ये सुनार की गर्दन में नहीं जाता, ये बहुत ही लूज़ है यानी कि बहुत ही कमज़ोर है यानी फैला हुआ है, वो सख्त नहीं बैठता. किंग कहता है राजा का देन ट्राई इट अराउंड एवरीवन्स नेक हियर, उसने कहा कि यहाँ पर जो भी है सबकी गर्दन को की तरफ देखो, देखो किसके ये बैठता है. पॉइंटिंग टू द सब्जेक्ट्स, और वो अपने जितनी रियाया सबकी तरफ देख रहा था. एंड सो हु इट फिट्स, और देखो कि वो किसको सही लगता है. हुज़ एवर हैज़ अ नेक ऑफ द साइज ऑफ द नोज मस्ट बी हैंग,
जिसकी भी गर्दन के में ये साइज़ का जो फंदा है वो आ जाएगा, उसे आप ले जाकर क्या करना, फांसी दे देना। हैंगमैन ट्राइज द नूज ऑन मेनी ऑफ द सब्जेक्ट्स, यानी कि जो जल्लाद था वो हर किसी की गर्दन नाप रहा था। सब्जेक्ट्स वेटिंग फॉर जस्टिस, और सब के सब इंसाफ के लिए इंतज़ार कर रहे थे। दे स्पर्न एंड रेसिस्ट, वो सब के सब मना कर रहे थे और एहतजाज कर रहे थे। स्पर्न यानी मना करना, रेसिस्ट यानी एहतजाज करना। बट द हैंगमैन विद द हेल्प ऑफ द गार्ड्स ओवर पावर्स देम, लेकिन जल्लाद क्या कर रहा था, वो दरबानों की मदद से सबके ऊपर काबू पा रहा था। फाइनली द नोज फिट्स द डिसिपल, और आखिरकार वो जो फंदा है वो उस शागिर्द के गले में आ गया जो उससे मिलने आया था। हैंगमैन, आह योर हाइनेस, इट फिट्स द लाइट लास्ट, वो कहने लगा, आलीजा अब तो ये इस आदमी के गले में आ गया है। बट डिसिपल, यानी अब क्या हो गया कि वो जो डिसिपल था यानी शागिर्द था साधु का, वो वहाँ पर कहने लगा, आह जस्टिस एट लास्ट, वो कहने लगा कि आखिरकार राजा ने क्या कहा, इंसाफ मिल गया। टेक हिम टू द गैलोज विथ फर्दर डिले, इसे ले जाओ और ले जाकर फांसी के फंदे पर लटका दो। हैंगमैन एंड गार्ड्स फोर्स द प्रोटेस्टिंग डिसिपल आउट, जो फांसी देने वाला था वो और दरबान उस शागिर्द को, चेले को जो साधु का था, उसे वापस ले गए। किंग कहता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि अगर किसी को इंसाफ में देरी, इंसाफ नहीं मिलने के बराबर है। अंधेर नगरी प्राइड्स इटसेल्फ ऑन प्रॉम्प्ट एक्शन, अंधेर नगरी में खुशी होती है क्योंकि उन्हें फौरी इंसाफ मिलता है। आवर एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, हमारे जो हरकतें हैं वो अल्फाज से ज़्यादा तेज़ी से बात करती है, दिखाई देती है। वॉइसेज एंड शाउट्स हर्ड फ्रॉम आउटसाइड, ऑल एंटर इन अ रश विद अनदर एल्डरली मैन, और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती है और अचानक एक बूढ़े आदमी के साथ सब आ जाते हैं। किंग यानी राजा कहता, व्हाट, क्या हुआ, व्हाई हैव यू ऑल रिटर्न विद दिस स्ट्रेंजर अलाइव एंड हू इज दिस मैन, वो कहने लगा, क्या हुआ, तुम लोग क्यों वापस आ गए इस अजनबी के साथ, वो भी जिंदा, और ये आदमी कौन है दूसरा। फर्स्ट गार्ड, पहला दरबान कहता, आई बेग योर पार्डन, मुझे माफ़ कीजिए जहाँ पना योर हाइनेस, बट वी आर कन्फ्यूज्ड इंडीड, लेकिन हम सब के सब जो है कन्फ्यूज्ड है। कन्फ्यूज किस वजह से है, हम दिस ओल्ड मैन रश टुवर्ड्स अस एज वी वेर अबाउट टू हैंग द यंग स्ट्रेंजर एंड बेग्ड एंड प्लीटेड दैट ही शुड बी हैंग्ड इंस्टीड, अब उसने क्या कहा, वो जो बूढ़ा आदमी था उसने कहा कि इस नौजवान को जो अजनबी था वो, उसने हमसे दरख्वास्त की कि इसको छोड़ दिया जाए, बल्कि उस साधु को वहाँ पर लटका दिया जाए, फांसी दे दी जाए। सेकंड गार्ड, दूसरा जो दरबान है वो कहता है, एट फर्स्ट वी थॉट द ओल्ड मैन हैड लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस, हमने पहले तो समझा कि ये जो आदमी है, बूढ़ा आदमी है, इसका जो दिमागी तवाज़ुन है ये बहक गया है, दिमागी तौर पर बहक गया है, दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया है। व्हाट सेन मैन वुड विश टू सफ़र सच ए ड्रास्टिक डेथ विलिंगली, ऐसा कौन सा आदमी होगा जो ऐसे मौत को खुशी खुशी कबूल करता हो। फर्स्ट गार्ड, पहला आदमी कहता है, बट दिस यंग मैन सेज डैट ही इज़ अ वाइस एंड लर्न सेज फ्रॉम द फॉरेस्ट यॉन्डर एंड ही हिमसेल्फ वॉज दिस मैन डिसिपल, अब पहला जो दरबान है वो कहता है कि ये नौजवान कहता है कि वो ये जो आदमी है बहुत ज़हीन है, होशियार है और एक साधु है, सेज यानी साधु, और ये जंगल में रहता है, इसका नाम यॉन्डर है, और मैं यानी ये जो डिसिपल है वो उसका शागिर्द है, चेला है। सेज यानी साधु कहता है, ओ नोबल किंग, ऐ इंसाफ पसंद बादशाह, यू आर मोस्ट जेनरस, आप बहुत ही ज़्यादा फराग दिल है, जेनरस यानी फराग दिल, खुले दिल वाले, बी काइंड, आप रहम कीजिए एंड अलो मी टू बी हैंग्ड इन प्लेस ऑफ माई डिसिपल, आई बेग ऑफ यू, आप रहम कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए कि मुझे फांसी दी जाए मेरे शागिर्द की जगह, आई बेग ऑफ यू, मैं आपसे भीख मांगता हूँ।
राजा कहता है व्हाट अ स्ट्रेंज अपील, ये अजीब बात है, अजीब दरख्वास्त कर रहे हो तुम। एंड व्हाई डज सच अ वाइज एंड होली मैन विश टू ऑब्स्ट्रक्ट द कोर्स ऑफ जस्टिस, मे आई आस्क, तुम्हारे जैसा अकलमंद आदमी, मुकद्दस आदमी, होली यानी मुकद्दस, वाइज यानी अकलमंद, कैसे मेरे इंसाफ में ऑब्स्ट्रक्ट यानी कि रुकावट डाल सकता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ। सेज यानी साधु कहता है शोइंग रिलक्टेंस टू लेट आउट हिज सीक्रेट, वो अपनी जो सीक्रेट है अपनी जो उसे वो छुपाते हुए कहता है योर मैजेस्टी द ट्रूथ इज नो नो आई कैन नॉट से इट, वो कहता है कि आलीजा मैं आपके सामने सच्चाई नहीं बयान कर सकता। किंग यानी राजा कहता है आई डिमांड एन एक्सप्लेनेशन और आई शैल नॉट हैव यू हैंग इन प्लेस ऑफ योर डिसिपल, मुझे वजाहत करो, साफ कर दो कि क्या कहना चाहते हो, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे चेले की जगह, शागिर्द की जगह फांसी नहीं दूंगा। सेज यानी साधु कहता है यू सी, देखिए इट हैज़ बीन प्रेडिक्टेड बाय द ग्रेट प्रॉफिट्स और नो नो आई शुडंट से, ये तो पहले आए हुए जो पहले पैगंबर थे, पुराने पैगंबर थे, उन्होंने ये कहा था। किंग अनॉयड, राजा बहुत गुस्से में आ जाता है, स्पीक आउट एट वंस और योर डिसिपल विल बी हैंग, एक ही बार में बयान कर दो वरना मैं तुम्हारे शागिर्द को, चेले को फांसी दे दूंगा। द द द ग्रेट प्रॉफिट्स हैव फोरटोल्ड दैट द वन हु विल बी हैंग्ड ऑन दिस डे इन दिस किंगडम शैल बिकम द नेक्स्ट किंग एंड कंकर मेनी मोर नेशंस, उसने कहा कि इस दिन जो भी इंसान को यहाँ पर फांसी दी जाएगी वो बहुत बड़ा राजा बनेगा, नया राजा बनेगा और कई सारे मुल्कों को फतह करेगा, पूरी दुनिया को फतह कर लेगा। आई वॉन्ट टू बिकम द नेक्स्ट ग्रेट किंग, मैं एक बहुत बड़ा राजा बनना चाहता हूँ। योर मैजेस्टी आलीजा एंड रीन ओवर अ ग्रेट कंट्री, और मैं एक बहुत बड़े मुल्क पर हुकूमत करना चाहता हूँ। रीन यानी हुकूमत करना, ग्रेटर कंट्री यानी बड़ा मुल्क। आई विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज अ फेमस रॉयल मोनार्क, मैं तारीख में बहुत मशहूर होना चाहता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा राजा था। द फ्यूचर जनरेशन्स विल रीड अबाउट मी एंड माई ग्रेटनेस फॉर मिलेनियम्स टू कम, और जितने भी मुस्तकबिल में आने वाली जनरेशन्स है वो सब मेरे बारे में पढ़ेगी और आने वाले हज़ारों साल तक वो मेरी बहादुरी के किस्से याद रखेगी। आई शैल नेवर अर्न डैट फेम इफ़ आई रिमेन आर रिक्लूज अ सीज, मुझे इतनी शोहरत कभी नहीं मिलेगी अगर मैं एक अलग थलग रिक्लूज यानी सन्यासी, सेज यानी साधु बनकर रहा। सो डू ग्रांट मी दिस फेवर, मुझे मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो। ओ किंग लेट मी डाई एट द गैलोस टुडे, ऐ राजा मुझे फांसी के फंदे पर आज लटकने दो, मरने दो। किंग कहता है द नेक्स्ट किंग, हाँ अगला राजा, एंड दिस किंगडम विल एक्सपांड, अच्छा ये जो किंगडम है, ये रियासत है, बहुत बड़ी हो जाएगी। ग्लोरी फॉर मिलेनियम्स टू कम, हज़ारों साल तक उसकी शोहरत रहेगी। वाई नो वन बट आई शुड बी एंटाइटल टू दिस प्रिविलेज, कौन चाहेगा, मैं तो बिल्कुल चाहूँगा कि इस किस्म की जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए। गार्ड्स बुलाता है, दरबानो सिपाही आ जाओ, टेक मी टू द गैलोज, मुझे फांसी के फंदे तक ले चलो। एंड हैंग मी एट वंस, और मुझे ले जाकर फांसी दे दो विदाउट एनी डिले, और कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए, हर्री अप जल्दी आओ, डोंट वेस्ट टाइम, वक्त बर्बाद ना करो। व्हाट अ वंडरफुल फेट, कितनी खुशकिस्मती की बात है। इन माय नेक्स्ट लाइफ, मेरी अगली ज़िंदगी में आ किंग वंस अगेन, मैं दोबारा राजा बनूँगा। गुड बाय वर्ल्ड, सी यू अगेन, वो दुनिया को कहता है अलविदा, दोबारा वापस आऊँगा। ऑल एग्ज़िट, और सब के सब वहाँ से चले जाते हैं।